अगर आपकी कमान बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी पे नहीं होगी तो आप ये अपने यूपीएससी के हाय, माय नेम इज अदिति शर्मा. आई एम अ करियर साइकोलॉजिस्ट एट प्लूटस आईएएस एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ एनसीईआरटी बैच That is starting from 22nd of November and the timings are from 8 a.m. to 12:30 p.m. This will include all your study material along with that PDF, PPTs and handwritten notes all by our faculties only. This will also include a proper basics of NCERT. Like this is a very new fresh batch, तो इसमें आपका proper basics of NCERT से start होगा. And जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि UPSC में NCERT क्यों इतनी important होती है, क्यों इतनी relevant होती है. जितने भी toppers होते हैं उनका ये golden rule होता है कि NCERT पढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा important होता है. तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप NCERT से पढ़ते हैं तो पहली चीज़ आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड होती है बहुत ही वेरी सिंपल लैंग्वेज में. तो एक आपके पास ये बेनिफिट होता है. अलॉन्ग विद डैट ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स बनाता है बहुत ही इजी लैंग्वेज में. जैसे आपके जितने भी GS के सब्जेक्ट्स होते हैं अगर आपकी कमान बेसिक्स ऑफ NCERT पे नहीं होगी तो आप ये अपने UPSC के जितनी भी स्टैंडर्ड एडवांस बुक्स होते हैं वो आप कभी भी पढ़ ही नहीं पाओगे जब तक आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा. तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी दैट डू फोकस ऑन NCERT एंड जितने भी आपके 6 to 12 तक के लेके रेलिवेंट रहता है UPSC के लिए NCERT में हम आपको प्लूटस में प्रॉपर डिटेल मैनर में एंड कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोवाइड करवाते हैं. सो कम जॉइन अस एट प्लूटस IAS एंड थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट.